दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड हम पश्चिम बंगाल और झारखंड के उन सीमावर्ती इलाकों से लेकर आए हैं जहां पर शिबू सोरेन और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने केंद्र की मदद से आखिरकार नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक साझा अभियान की शुरुआत की है। झारखंड के सिंहभूम जिले का सारंडावन दुनिया भर के रईसों की निगाहें साल के इन 30 मीटर तक लंबे पेड़ों पर होती है। इसी के पत्तों में आप हर दिन गोलगप्पे खाते हैं और साल के पत्तों की थाली में बारात का भोजन सस्ता रहा है। दुनिया की बेहतरीन और महंगी इमारती लकड़ियों में से एक साल पहले अंग्रेजी और बाद में आजाद भारत के अफसरों की लूट का सपना और ये हाथी की प्रतिमा बताती है कि सारंडा के जंगलों की यही पहचान है। और ये बच्चे यहाँ की गरीबी की सर्व शिक्षा अभियान का यह मेन्यू बगल में पक रही खिचड़ी एक दो एक हाड़ मांस बचा रह जाए इसलिए खाने से पहले थोड़ा कदम ताल जरूर। इतना अमीर जिला है, इतना माइंस अमीर इतना जिला है तो माइंस वगैरह रहने से क्या हुआ, गरीबी तो घरों घरों में ना यहाँ पे है। माइंस क्या है कि बड़े बड़े सब जो अफसर है नेता सब है वो लोग अपना भर रहे हैं, बच्चों को कहाँ देखिए। अब मान लीजिए चलिए नेता लोग भी है तो कम से कम स्कूल वगैरह में यूनिफॉर्म मिलता है तो 5-7 क्लास को मिलता है, लड़की लोग लड़के लोग को तो मिलता नहीं है। काफी गरीब लगता है जैसे बच्चा लोग केवल खाने के लिए यहाँ तो वही हाल है यहाँ पे क्या? खाने के लिए मतलब टिफिन के बाद आप अभी जितना संख्या देख रहे हैं ना टिफिन के बाद देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जिसका नामांकन नहीं है वो भी आए हुए हैं और खाने के बाद सब देखिए चल जाएगा टिफिन के बाद। इन लड़कियों ने थाली साफ तो कर दी है लेकिन किताब के ऊपर पहुंची ये थाली बता रही है इनके लिए भूख का क्या मतलब है। कपिल सिब्बल साक्षरता दर के आंकड़े बढ़ाकर खुश हो जाएंगे और ये खिचड़ी खाकर, लेकिन सिस्टम को खाने वाले भ्रष्ट अफसरों को खाता देखकर क्या करेंगे पी चिदम्बरम नहीं मालूम। इन विडंबनाओं को यहीं छोड़ देते हैं और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले अर्धसैनिक बलों के कदम ताल में शामिल हो जाते हैं। नक्सलियों को ढूंढने निकल रहे हैं सुरक्षा बल, पहली बार इनसे कहा जा रहा है मरना है और मार देना है। जंग का मैदान तैयार है और योजनाएं यहां बन रही है। दोनों फोर्सेस एक साथ अपने अपने एरिया में मूव कर रहे हैं। नक्शे पर सिंहभूम है, इसका एक हिस्सा झारखंड से लगता है तो दूसरा बंगाल से। दोनों तरफ अर्धसैनिक बल तैनात हो चुके हैं। ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था। बंगाल और झारखंड के अफसर मिल गए हैं। ऑपरेशन में लगातार इंटेलिजेंस के आधार पे रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे फर्दर क्या करना है, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जवान भी तैयार होने लगे हैं फाइट के लिए। लेफ्ट राइट फास्ट एड पकड़ लिया, यस सर, जीपीएस, यस सर, और पीने का पानी ले लिया है तो अभी हम लोग चलेंगे गांव को सर्चिंग करेंगे। लास्ट वाला क्या है? गुड, आपको 9 चार्ली दे रहा हूँ। 9 चार्ली आप पहले मार्च करोगे उसके बाद आप चलोगे 9 डेल्टा। चार्ली डेल्टा ये आदिवासी बच्चों के नाम नहीं है, सिक्योरिटी कोड है। ये हमारी वन पोजीशन है भुयासियन, हमको जाना है पहाड़ के नीचे, गांव है चिमटी, इस चिमटी गांव पे जाना है और हमको चिमटी गांव के आसपास जगह जो है सर्च करना है। तो हम लोग जो है इस नाला को पार करेंगे और बिना रास्ता है, रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे और हम लोग जो है इस साइड से जाएंगे और उसको इस साइड से कवर करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में कभी भी जो सामान्य रास्ता है उसे अवॉइड किया जाता है क्योंकि वहाँ पर लैंड माइंस लगने का डर रहता है और दूसरी बात यह है कि इन रास्तों को पहले से रेकी किया जाता है कि कौन सा रास्ता जो सबसे आसान हो और जिस पे लैंड माइंस की कम से कम पॉसिबिलिटी हो उन्हीं रास्तों को लेकर CRPF या जो
जनरल पुलिस के जवान हैं, उन रास्तों को लेकर जहां भी उनका टारगेट गांव होता है वो जाते हैं। इस हुक में लग जाता है तार? हुक में अगर तार मान ले कहीं पर लगा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें फिर वो लग जाता है। आईडी का बहुत सारी प्रोवाइड है, आईडी लगा हुआ। अच्छा, ऐसे खतरे कदम कदम पर हैं। ब्रेवो 99 रोमियो। गांव को सीआरपीएफ के जवान दोनों तरफ से घेर लेते हैं। किसी भी गांव में माओवादियों के प्रभाव का असर उस गांव में माओवादियों के द्वारा छोड़े गए पोस्टर से लगाया जा सकता है। इस गांव में भी हालांकि अधिकांश पोस्टर को फाड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी एक पोस्टर है जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर आदिवासियों का जल जंगल जमीन से विस्थापन करने के खिलाफ 5 फरवरी पूर्वी सिंहभूम बंद सफल करे CPI माओइस्ट। तो लगता है कि जो माओवादी हैं उन्हें मालूम था, हालांकि ये ग्रीन हंट जो है करीब अब से 10 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये ऑपरेशन आज न कल झारखंड में भी शुरू होगा और उसके खिलाफ उन्होंने बंद का भी आह्वान किया पिछले महीने। सब माओवादियों के पोस्टर हैं, ये गांव में आते हैं और चिपका कर चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग से क्या क्या मांगता है माओवादी लोग? नहीं मगा जी, कैसे बोलेंगे, क्या डरता है आप लोग? इसीलिए वो लोग घर से निकलते ना रात में। रात में निकलने से क्या है, पिटाई करता है, क्या करेगा? जैसे 6-7 बज गया आराम से खा के सो जा आराम से। नहीं, क्या वो लोग क्या करता है, आप लोग से पैसा मांगता है? नहीं मंगा जी, मैं झूठ बोलेगा। मारता है, पीटता है? ये तो नहीं मारा किया कभी। हाँ, तो झूठ कहा बोलेगा आप, लेकिन बता नहीं रहा है कोई बात? नहीं सर, यही मुश्किल है। अर्धसैनिक बल गांव वालों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं और गांव वाले माओवादियों के डर और सरकार की नीयत के बीच फंसे हुए हैं। मरहम पट्टी से पूरा इलाज नहीं होता है, गांव वालों को मालूम है। बंबई दिल्ली के अस्पतालों में होते होंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उनके डॉक्टर बाबू तो यही है। आज़ादी के बाद के 63 सालों से शायद CRPF नीम हकीम के इस बक्से से उसकी मेडिकल डिग्री ढूंढ रही है। दिन भर इसी तरह की कसरत, दुश्मन का पता नहीं, सिर्फ उसके होने के एहसास से इतनी मुस्तैदी दिख रही है। कल्पना सिंह के पति को 6 महीने पहले नक्सलियों ने मार दिया था। उन्होंने पुलिस की मदद की थी। पति को गवाने के बाद भी कल्पना का डर गया नहीं है। क्यों मारा था माओवादी लोग? ये जो मारी सुपा को ठीक बोलते नहीं पर नहीं, लेकिन कोई पहले से धमकी उमकी दे के रखा था? कुछ नहीं, पहले धमकी दिए थे लोग, हमार को तो कुछ बोले ना, वहाँ जो दिए थे तो हमार के सब कुछ तो बोलते हैं। उनको मालूम नहीं है, अगर दिया भी होगा तो उनको कुछ बोलते नहीं है। तो फिर अभी एक आदमी को गोली भी तो लगा था, वो कहाँ है आजकल? टाटा दी। वो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि गांव लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। फिलहाल हम उस चीज़ को सिर्फ यही एक प्रक्रिया है जिसके चलते रोज जाना है, उनके साथ मिलना है, उनके बीच अंदर में विश्वास बढ़ाना है। किसी का घर में सर्च करना है तो उसके मन में कहीं ना कहीं खराब होगा कि ये कैसे आ रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लोगों के बीच में अभी भय का जो वातावरण है, एक पैनिक है, इसके चलते हम लोग को इतना जितने मदद चाहिए एज ए सिविलियन से वो मदद नहीं हो पा रहा है अब तक। अर्धसैनिक बलों को समझना चाहिए, सिर्फ बंदूक से विश्वास नहीं जीता जा सकता। कैंप से निकलकर हम उस गांव में आ जाते हैं जहां माओवादियों ने 3 घरों को जला दिया है। गांव वाले कहते हैं कि इस घटना को 1 हफ्ता हो गया, प्रशासन की तरफ से कोई खोज खबर लेने नहीं आया। ऐसे में वो माओवादियों का फरमान नकारे भी तो कैसे, किसके भरोसे? परेशान करता है ना, बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान। हम फिर एक बार CRPF के जवानों के साथ जंगलों में भटक रहे हैं। रात अंधेरे चिमटा गांव में आते हैं, जीप की रोशनी से उजाला होता है, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ के लोगों ने माओवादियों के खिलाफ बगावत की है, तीर धनुष के साथ अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं। अर्धसैनिक बल बंदूक लेकर आए हैं माओवादियों से लड़ने, ये गांव वाले तीर धनुष लेकर खड़े हैं। हम लोग उसके बाद
25 दिसंबर से उस उन लोग का भगाने का कसम ले ले हैं कि पूरा आम जनता हम लोग का पूर्व से मुख पश्चिम से मुख चलिए उसके बाद हम लोग घोर गांव में पहरा चलता है पहरा चलता है पुलिस बल हम लोग का गांव में रहते हैं कि साइड में रहते हैं हम उसके उसी का बल मिलते हैं हम लोग गांव में सरदार रहते हैं। एक बार फिर सुबह होती है, हम किसी और जगह पर हैं, समझने के लिए कि सुरक्षा बलों के दम पर माओवादियों के खिलाफ बगावत का क्या मतलब है। माओवादियों के खिलाफ गांव वालों की सुरक्षा करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को गांव छोड़कर शहर में पलायन करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ मूसाबनी में हैं कुछ लोग जो जिन्होंने माओवादियों के साथ में लोहा लिया, माओवादियों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्हें पानी भी पिलाया, उन्हें काफ़ी कई माओवादियों को इन्होंने इनको मारने में सफलता भी मिली, लेकिन आज इनका जीवन जो है ये मूसाबनी में आकर इनका जीवन सीमित हो गया है। कुछ लोगों को पुलिस भी नौकरियां मिली, आपको दो दो बार आपको दो गोलियां लगी हुई हैं, क्या हुआ, क्यों आप लोग इतना माओवादियों का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोग? ये प्लानिंग करके हम लोग तो शुरू में खाना खिलाना हम लोग शुरू किया मजबूरी में, खाना समय पर खिलाते थे, कभी कभी पैसा भी कलेक्शन करके हम लोग देते थे। और बाद में इसे समझ आया कि चलो किसी का एक बेटी को देख लिया अच्छी बेटी है तो चलो इसको देना होगा, क्यों नहीं इसको पहाड़ में प्रशिक्षण देंगे, किसी का बीवी को भी देख लिया तो इसको भी देना होगा, हम लोग प्रशिक्षण इसको दिलाएंगे पहाड़ में। तो हम लोग पूछते हैं तो क्या चीज़ का प्रशिक्षण, ना बंदूक का प्रशिक्षण। वो लोग को सिर्फ अभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग सिर्फ आप लोग को स्कूल नहीं जाना है, वही चीज़ वो लोग बोलता था, तो स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, फिर प्लस हो गया जो आप लोग का जितना भी रोजगार का माध्यम है साइकिल से कोई नहीं घूमेगा। विकास अब इन सड़कों के जरिए आएगा जिन्हें अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में बनाया जा रहा है। अब जरा उस विकास की भी हालत देख लेते हैं जो पिछले 63 सालों से तमाम योजनाओं के जरिए सिंहभूम आ रहा है। कुछ सवाल है, पहले सरकारी सिस्टम से गरीबी पैदा हुई या गरीबी से नक्सलवाद, है ना, पहले मुर्गी या अंडे वाला सवाल, क्या करना है जवाब ढूंढकर। इतनी गरीबी है इस इलाके में, फिर भी हिंदुस्तान की कई बड़ी कंपनियों के लिए कच्चा माल यहीं से तो जाता है, कहां जाता है बताएंगे ब्रेक के बाद। बड़ी बड़ी कंपनियों को धमाके का यह शोर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धमाके की यही आवाज सिंहभूम के इन खदान मजदूरों को अच्छी नहीं लगती है। झारखंड में माओवादियों ने अपनी जड़ें मजबूत की, इसके पीछे एक बड़ा कारण यहां का औद्योगिकरण है जो न केवल आर्थिक विषमता मिटाने में विफल रहा, वहीं दूसरी ओर यहाँ के निजी उद्योगपतियों और कल कारखाने के मालिकों ने अवैध उत्खनन जैसे गलत कामों के बदले इन माओवादियों को जमकर लेवी अभी तक देते रहे हैं। माइंस और माओवाद ने गठजोड़ कर लिया और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी सिंहभूम का रिपोर्ट कार्ड लाल स्याही से लिखा जाता रहा। लाल का मतलब फेल, क्रांति नहीं। पश्चिमी सिंहभूम यहां देश का 20% बेहतरीन कच्चा लोहा है और गरीब हैं यहां के 45% लोग, 50% लोग निरक्षर हैं, 75% गाँव में पक्की सड़क नहीं है। पूर्वी सिंहभूम इसी के जादू घोड़ा के खदानों में यूरेनियम भरा पड़ा है। गरीबी रेखा से नीचे है यहाँ की 50% आबादी, निरक्षर आबादी है 65%, 65% गांव में पक्की सड़क नहीं है। गरीबी में भी एक चीज आम है, सफाई, झाड़ू घर घर में है और घरों की दीवारें बिल्कुल साफ सुथरी। सुरक्षा बलों के बीच से निकलती ये औरत नहाने के बाद मटका लाद कर लौट रही है। गरीबी की हालत पर कलेजा फाड़ कर ये लोग टीवी के हिसाब से बाइट नहीं देते हैं। आप लोग क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं क्या? इनकी आंखों का सन्नाटा जो बोल देता है वो माइक नहीं रिकॉर्ड करता, कैमरा कर लेता है। भैया की जैसी क्रांतिकारी होगी
बहना भी लाल झंडा धारी होगी भैया की जैसी क्रांतिकारी। शायद यही वजह है कि सरकार के ग्रीन हंट अभियान के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिल रहा है। के नाम पर केंद्र सरकार का जो दमन ग्रामीणों आदिवासियों पर होगा उससे यह पलायन कई गुना बढ़ेगा। ग्रीन हंट कहीं से भी झारखंडी महिलाएं आदिवासियों के हित में नहीं है। ये विरोध का नया चेहरा है। सैकड़ों आदिवासी औरतें सड़कों पर उतर आई हैं। उनकी मांग है कि झारखंड और बंगाल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान बंद हो। इन सब शोर शराबों से दूर ये लड़का जानता है अपना भविष्य तय करना है तो खुद ही हवा भरो और निकल पड़ो, वरना जीप के ऊपर लदकर सफर पूरा करने का जोखिम माओवाद और सरकार के बीच फंसने जैसा है। आप देख रहे हैं ना कैसे खूबसूरत नज़ारे से ये मालगाड़ी सिंहभूम के खजाने को लेकर निकल रही है। यहाँ पर कई कंपनियाँ खदानों से कच्चा लोहा निकालकर डंप करती हैं और फिर मालगाड़ी में लादकर उनकी किस्मत चमकाने चली जाती हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का माइंस, यहाँ से निकला कच्चा लोहा राउरकेला और बोकारो जाता है। यहाँ पर कई कंपनियाँ खदानों से कच्चा लोहा निकालकर डंप करती हैं और फिर मालगाड़ी में लादकर वहाँ भेज देती हैं जहाँ से उनकी किस्मत चमकती है। पूर्वी सिंहभूम में टाटा टेलको कई बड़ी कंपनियां हैं। हिंदुस्तान कॉपर भी थी लेकिन बंद हो चुकी। मशीनों के आने से कंपनियों में स्थानीय लोगों के रोजगार पर गहरा असर पड़ा। विज्ञापनों के ये हसीन बोर्ड पिछले 60 सालों में इन लोगों की तकदीर नहीं बदल पाए। कच्चे माल को बाहर ले जाने वाली सड़कों को बनाने के लिए अब इन्हें मजदूरी मिलने लगी है। यहाँ की औरतें दिहाड़ी मजदूर में बदलकर अपने गांव घरों में विकास के आने का रास्ता बना रही हैं और ये योजनाएं अफसरों की झोली में जाकर उनके मकान दुकान। लिहाजा यहां के लोगों के कपार पर गरीबी रेखा झूलती नजर आती है, जिस गरीबी रेखा पर माओवादियों ने अपनी बंदूकें टांग दी। एक वीडियो को छोड़ दिया जो 6 दिन जंगल में रख के वो चीज हम लोग को समझ से बाहर, इसका मतलब है कि वो लोग सिर्फ लेवी वसूलने के लिए और ग्रामीण को तंग करने के लिए कुछ को पार्टी में शामिल किया, कुछ को ग्रामीण को मरवाने का, माने आदिवासी को इस क्षेत्र से जोर से समाप्त करने का सिस्टम बनाया। जो पैसा वैसा नहीं देने सकता है उसको मार दिया। लेवी एक ऐसा टैक्स है जिसे माओवादी अमीर और गरीब दोनों से वसूल रहे। हमने बिहार झारखंड के कमांडर सुरेश का इंटरव्यू किया। सुरेश ने साफ साफ कहा कि माओवाद एक संस्था है जिसे चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो लेते हैं, हम लोग वो टैक्स लेते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। गवर्नमेंट, ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो तो ये आर्म्स एमुनेशन को खर्च हो रहा है, ये बहुत सारे खर्च हैं, वो तो बिना पैसा का नहीं होता है ना। वो तो टैक्स लेते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं ऐसा नहीं। गरीबी तो दूर नहीं हुई लेकिन यहाँ के गरीब घरों में माओवादी छुपे होने का डर सरकारों के कान खड़े कर रहा है। ग्रीन देखना हो तो ये देख, साल के ग्रीन फॉरेस्ट यानी हरे घने जंगल और फिर इन आवाजों को सुन। आप देख रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट, देखते जाइए। एक दो एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक